इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्के में सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आते रहते थे। एक रोज आए तो उनसे कहा, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, मैं हाजिर। इस तरह उन्होंने खुदाई शुरू की। ऐसे में उन्हें शीस अलैहिस्सलाम की तामीर के आसार नजर आए। उन्होंने उस पर तामीर शुरू कर दी। एक रिवायत में ये भी है कि उन्होंने फरिश्तों वाली बुनियादों के आसार भी देखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के दिनों में जब मक्के के कुरैश ने काबे की तामीर नए सिरे से की तो उन्होंने उसकी बुनियादों को गहरा करना चाहा। वो खुदाई करते उन सब्ज पत्थरों तक पहुंच गए जो पहाड़ों की चोटियों की तरह नजर आ रहे थे। उन्होंने उन पत्थरों को निकालना चाहा। एक शख्स ने कुदाल के जरिए एक पत्थर को बाहर निकाला तो उसके नीचे से इतना नूर निकलने लगा कि करीब था वो शख्स अंधा हो जाता। फिर पत्थर खुद ब खुद नीचे जा गिरा और अपनी जगह पर जम गया। इसके बाद लोगों ने उन पत्थरों को हाथ न लगाया और तामीर शुरू कर दी। कुरान मजीद में तामीर काबा और बैतुल्लाह का तस्करा इस तरह आया है, और जब हमने बैतुल्लाह के मकान में इब्राहिम को जगह दी और फरमाया कि मेरे साथ शिर्क न करना और मेरे घर को तवाफ क्याम और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखना, और फरमाया बेशक लोगों के लिए जो पहला घर तामीर किया गया है वो मक्का में है, वो जहान वालों के लिए बरकत और हिदायत का जरिया है, उसमें वाज़े निशानियां हैं। मसलन मकाम इब्राहिम, तो जो कोई हरम में दाखिल होगा वो अमन में आ जाएगा। और फरमाया और याद करो उस वक्त को जब इब्राहिम को उसके परवरदिगार ने कई बातों के जरिए आजमाया, वो उनमें पूरे उतरे तो अल्लाह ने फरमाया, मैं आपको तमाम लोगों का इमाम बना रहा हूँ। इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरी औलाद में से भी इमाम बनाइए। जवाब में अल्लाह ने फरमाया, मेरा इमामत का वादा जालिम लोगों के लिए नहीं है। और उस वक्त को याद करो जब हमने बैतुल्लाह को सवाब और अमन की जगह बना दिया और लोगों ने मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लिया। हमने इब्राहिम को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ एतिकाफ रुकू और सुजूद के लिए पाक रखो, और वो वक्त भी याद रखो जब इब्राहिम ने दुआ की, ऐ परवरदिगार, इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके मोमिन बंदों को फलों का रिस्क अता कर। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं काफिरों को भी थोड़ा फायदा दूंगा, फिर उन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा। ये पहुँचने की जगह बुरी है। और वो वक्त याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे और दुआ मांग रहे थे, ऐ हमारे रब, हमारी मेहनत को कबूल फरमा, तू दुआ को सुनने वाला जानने वाला है, और हमें अपना फरमाबरदार बना, हमारी औलाद में से भी एक फरमाबरदार गुरोह बना, और हमें इबादत का तरीका सिखा, और हम पर रुजू फरमा, क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने और राह फरमाने वाला है। ऐ हमारे रब, इन लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयात की तिलावत करे और इन्हें किताब और हिकमत सिखाए, इन्हें पाक करे, यकीनन तू गालिब हिकमत वाला है। तामीर के दौरान जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मकाम तक पहुँचे जहाँ आज हजर अस्वद है, तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक सफेद पत्थर भेजा। हदीस में है, ये पत्थर निहायत सफेद था, अब स्याह हो गया है। इंसानों की गलतियां इसके स्याह होने का सबब बन गईं। जब दीवारें इंसानी कद के बराबर हो गईं, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर ले आए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े हुए। वो नंगे पांव थे। उसी वक्त पत्थर पिघल गया। उनके पांव उसके अंदर किसी कदर धंस गए। पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मकाम इब्राहिम कहा जाता है। पहले ये पत्थर बैतुल्लाह की दीवारों के साथ रखा गया था। जब लोग तवाफ के लिए आते तो सैयदना इब्राहिम के पैरों के निशानात देखने के लिए यहाँ हुजूम हो जाता। इस तरह तवाफ करने वालों को दिक्कत का सामना होता। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सहाबा किराम के मशवरे से इस पत्थर को इस जगह से कदरे हटाकर नमाज की सफों के करीब कर दिया ताकि तवाफ करने वालों को दिक्कत न हो। ये मकाम बहुत मुकद्दस है। अल्लाह ने फरमाया है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला
तुम मकाम इब्राहिम को जाए नमाज मुकर्रर कर लो। मकाम इब्राहिम के करीब इसके पीछे होकर नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए तो लाजिमन वहाँ दो रकात अदा किया करो। मौका न मिले तो फिर पूरी मस्जिद हराम में तवाफ से फरागत वाली दो रकात पढ़ लिया करो। इस तरह काबा तामीर हुआ, तब नया हुक्म आया। وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ। लोगों में जो इस्तेआत रखे उस पर अल्लाह के लिए हज बैतुल्लाह फर्ज है, और जो शख्स जानबूझकर एराज करे तो अल्लाह जहानों से बेनियाज है और उसे इसकी कोई परवाह नहीं। उधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हुआ। लोगों में हज का ऐलान कर दें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह मेरी आवाज भला किस किस तक पहुंचेगी? जवाब आया, आपके जिम्मे आवाज लगाना है, पहुंचाना हमारा काम है। चुनाचे आप अराफात के एक पहाड़ पर चढ़े और आवाज लगाए, लोगों बैतुल हराम का हज करो। अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पर यह आवाज तमाम इंसानों तक पहुंचा दी, ख्वाह वो पैदा हुए थे या नहीं। दूसरा मौजज़ा ये हुआ कि अल्लाह ने बैतुल्लाह और उसके हज की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी। अल्लाह ने फरमाया, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ। और आप लोगों में हज का ऐलान कर दें, वो आपकी तरफ पैदल भी आएंगे और दुबले पतले ऊंटों पर भी दूर दूर से आएंगे। इस तरह लोग पैदल और सवार होकर कसरत से हज के लिए आने लगे और ये वीरान इलाका आबाद होने लगा। ये थे हालात और वाकयात इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। आपने 175 साल की उम्र में वफात पाई। आपसे पहले सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने वफात पाई और उनकी वफात से कुछ ही अरसा बाद सैयदा सारा अलैहिस्सलाम 127 साल की उम्र में फौत हो गई। इन दोनों की वफात के बाद आप गमगीन रहने लगे। आखिर इतनी मुद्दत तक साथ रहा था, आप खलीलुर रहमान थे, आप पर सहीफे भी नाजिल हुए, आप अल्लाह के बेहद शुक्रगुजार थे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।